एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं आज व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी। मैंने अभी बिस्किट खाए हैं इसलिए मेरे बोल नहीं पा रही मैं ढंग से। मैं व्लॉग लेट स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी काम से वापस आई हूँ और मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था। इनफैक्ट मैंने सुबह वैसे एक शॉर्ट शूट किया था, सो गेट रेडी विद मी का वो शॉर्ट था, वो मैंने शूट किया था एंड मैं चाहती थी शूट करना लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। एंड देन मैं अभी वापस आई हूँ एंड मेरा मूड काफी अच्छा है बिकॉज मैंने नए बिस्किट ट्राई करे हैं। सो ये ब्रिटानिया का बिस्किट है एंड इस पे पोटेटोज जो भी लिखा हुआ है, तो ये पोटेटो है एंड पोटेटो का बिस्किट है लेकिन यार चिप्स जैसा लग रहा है एंड मैंने पहली बार ब्रिटानिया का कोई इतना अच्छा बिस्किट खाया है। सो इनके मोस्टली वो कैश्यू और एक बिस्किट आता है गुड डे कुकीज, हाँ आई डोंट नो, बट वो मुझे इतना खास नहीं लगता। लेकिन ये वाला बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम चिप्स जैसा फ्लेवर है। सो मुझे लगा शायद कोई नया लॉन्च हुआ बिकॉज अलंकार ने स्विगी से ऑर्डर करा था एंड देन उसने मुझे बताया कि नया नहीं है, ये वो भुवनेश्वर में भी खाता था। एंड मुझे काफी सारी चीजें पता नहीं होती है एंड ये उनमें से एक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती थी एंड मुझे पता नहीं होता था, मेरे फ्रेंड्स को पता होता था लाइक कोई नई मूवी है या कुछ नई सीरीज है एंड ऐसी ये बिस्किट मुझे सीरियसली लगा ये नया लॉन्च हुआ है। एनी वे बहुत अच्छा बिस्किट है एंड अगर किसी ने ट्राई नहीं करा देन मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, सो इट्स अ मस्ट ट्राई, काफी ज्यादा अच्छा बिस्किट है। मैं इतने खा चुकी हूँ बट मैं अलंकार के हिस्से भी खा जाऊंगी, आई थिंक वो मुझे पूरा पैकेट ही खाने के लिए दे देगा। एंड मैं अपनी चाय बना रही थी बट अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, सो ये मेरी आज किचन भी थोड़ी सी गंदी हो रखी है एंड मैं बहुत थकी भी हूँ। चाय बना रही थी लेकिन अलंकार अभी शार ले रहा है, सो मैं थोड़ा तब तक मैं फिर कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने इडली अपने लिए ऑर्डर करी थी आज एंड पराठा भी ऑर्डर किया था, सो इडली तो मॉर्निंग में खा ली थी, पराठा भी आधा खा लिया था एंड कुछ पराठा बचा हुआ है तो वो मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ। अलंकार मोस्ट लाइकली अपने सड़े से बिस्किट्स खाएगा बिस्कैफे के जो वो हर बार खाता है, एक दो पोटैटो तो खाएगा, मुझे लगा तो मुझे दे रहा है पूरा वो पोटैटो वाला चिप्स। एक टेस्ट करूंगा बस, एक दे दूंगी, वैसे भी पतला है, चल दो दे दूंगी, दो ले लेना तू, बाकी सारे मेरे। तो मेरे पैरों में थोड़ा सा पेन हो रहा था एंड मैंने बकेट में डाला हुआ है, मैं सॉल्ट एंड पाल्मोलिव का बॉडी लोशन डाला है गर्म पानी में, पैर ऐसे रखे हुए हैं इसमें। सो वैसे तो मैं और भी चीजें डालती हूँ, जैसे कि इसमें मैं लेमन डालती हूँ, मैंने एक और ब्लॉग में बताया था लेमन डालती हूँ एंड फिर से भूल गया, एक्चुअली मेरे पास जब कैमरा ऑन हो जाता है ना मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ, मैं इसमें लेमन डालती हूँ अलंकार और क्या डालती हूँ एंड ऑयल डालती हूँ मैं, उससे थोड़ा अच्छे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एंड मैंने इस बेवकूफ को भी रिकमेंड करा, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है बट इसे बहुत आलस आ रहा है, सो ये कर नहीं रहा, हमें इतना आलस आ रहा है, अंडा पड़ा हुआ है एंड छील नहीं पा रहे, टायर्डनेस है थोड़ी यार। मेरी मम्मी हमेशा पूछती है तो यही बोलती रहती है व्लॉग में थकी है बट मैं थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ। तो मेरी बॉडी आई हैव रियलाइज कि जैसे मेरी एज तो उतनी भी नहीं हुई मेरी, आई थिंक जब मैं यंग थी तो मेरी बॉडी में उतनी स्टिफनेस नहीं होती थी बिकॉज तब हम यंग, मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी यार, छोटी बच्ची बोलना अच्छा नहीं लगता, देवगुप्त सा सॉन्ग में आ गया। तो जब मैं मतलब छोटी थी तो मैं अपने घर के आसपास मैं और मेरा भाई खेलते थे गली के बच्चों के साथ, कॉलोनी के बच्चों के साथ, हाँ एंड तब मुझे इतना टायर्डनेस फील नहीं होती थी। I was a small kid then and used to enjoy. She used to just play all the day. She used to play kabaddi and what else? Loha langar. ये कौन सा गेम है? You don't know loha langar? ये क्या? Loha langar, कांच का लंगर, something like that. You don't know loha langar? ये किसी imprisonment का नाम? नहीं, so loha langar में ये rule होता है आपको ना like मुझे ये नहीं पता आपको चलना या भागना क्यों पड़ता है, बट आपको यू हैव टू डू दिस बाय टचिंग समथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ आयरन। सो लोहा लंगड़ में आपको, मुझे नहीं पता क्या कॉज होता है उसमें कि लोगों को चलना पड़ रहा है, मे बी कि कोई आपको पकड़ ना ले, आई डोंट नो, उसमें चलना पड़ता है लेकिन आपको हमेशा लोहे की चीजें छू छू के चलना है। सो ऐसी एक बार मैं एंड मेरा भाई एक मेमोरी अपनी डिस्कस कर रहे थे बचपन से, सो मेरे और मेरे भाई को ये याद ही नहीं रहता कि हम अपनी बड़ी बहन के साथ भी हमारी कोई मेमोरी है, तो हमें और मेरा छोटा भाई डिस्कस कर रहे थे एंड हमने बोला था कि हम दोनों लोहा लंगर खेलते थे। सो मेरी एक तब एक मेरी ट्यूटर थी जो मेरे घर के पास ही रहती थी, उनका मैं नाम भूल गई अभी, सागर की मम्मी से नाम है मुझे याद है, आई डोंट रिमेम्बर, अंजू मैम, आई थिंक इट इज अंजू मैम, मेरी मम्मी ब्लॉग देखेंगी तो वो बता देंगी। सो उनके घर के बाहर ना उस जमाने में कूलर होते थे, तो कूलर ना स्टैंड पे रखे होते थे लोहे के, एंड जो गेम स्टार्ट वहां से होता था लोहा लंगड़ एंड कुछ उसकी एक राइम थी, लोहा लंगड़ कांच का लंगड़ तेरे मेरे समथिंग कुछ ऐसा, एंड यू हैव टू लाइक, लोहे पे कूलर क्यों रखते थे, कांच का लंगड़, आई डोंट नो यार, मेरे को अच्छे नहीं यार, मुझे मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना छोटा होता है तो रखते क्यों थे, कांच का लंगड़ बोल रही हूँ, कूलर थोड़ी ना बोल रही। सो बेसिकली जब गेम स्टार्ट था तो अंजू मैम का जो कूलर का स्टैंड था तो सारे बच्चे उस गेम स्टार्ट वहां से होता था उस लोहे वाले पॉइंट से, एंड देन बेसिकली लोहे में हम कुंडियां टच करते थे घरों के बाहर की एंड ये सब करते थे। क्या करना चाह रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये, तुम आओ मेरे पास हो, क्यों आओ, मैं बेवकूफ हूँ या पैर डाल के बैठी हूँ, बेवकूफ हूँ मैं, तेरे पास क्यों आऊं, ज़ूम इन करके मुझे बोलो भगवान श्री कृष्ण बैठे सो रहे ऐसे आराम से, हाय भगवान श्री कृष्ण व्हाट्स अप, कहो बात,
चाहिए? पार्थ कौन है? पार्थ नहीं जानती, अर्जुन। अर्जुन को पार्थ भी बोलते हैं? सॉरी सॉरी। कर्म किए जाओ पार्थ, फल की चिंता ना कर। पार्थ कौन है? पार्थ इज अर्जुन ब्रो। बट व्हाई डू वी कॉल हिम पार्थ? बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ हिज यू नो सिनोनिम। इज इट डिफरेंट देन पार्थ सारथी? नहीं वही है, सेम। पार्थ सारथी, पार्थ सारथी इज कृष्ण, बिकॉज पार्थ जो है अर्जुन। अच्छा। उसके सारथी है कृष्ण, विच इज मी। अबे। एंड जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ उनको सव्यसाची भी बोलते हैं। सव्यसाची बेसिकली मींस एम्बिडेक्स्ट्रस, समवन हु इज इक्वली टैलेंटेड दोनों हाथ से। right. तो ये सव्यसाची ब्रांड ने यहाँ से क्या नाम लिया, पागल है क्या ये लोग? अरे सव्यसाची मुखर्जी जो पैदा हुआ था उसके पेरेंट्स। ओ सॉरी सॉरी, भूल गई, सॉरी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। मैंने दो वर्ड्स को एक बना दिया, मुझे किसी को गाली देनी थी एंड मैंने उसे, एक तो होता है लुनेटिक, एक होता है मेनियक, मैंने एक वर्ड बनाया लूनियक। एंड जब मैंने अलंकार को वर्ड बोला कि ही इज अ लूनियक, अब मैं सोचा यार ये वर्ड सही नहीं साउंड कर रहा, फिर इसने बताया मैंने दो वर्ड्स कंबाइन कर दिए। तो ये सब होता है हाँ, जब आप ज्यादा थक जाते हैं। तो आज का ये मिनी व्लॉग था एंड या कल फिर से मिलेंगे एक और व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो अभी बेड पे इसलिए लेटे हैं, थोड़े ज्यादा ही थक गए। कैसा लग रहा है बेवकूफ? आम जैसा लग रहा है, पागल सा आ भी नहीं रहा है तू कैमरा। आम जिसका स्पाइक्स हो गया। इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर से मिलते हैं एक और व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अंडा ऐसे रखा हुआ है मेरा खाने का, मन नहीं कर रहा अंडा। क्या कर रहा है, गंवा रहा है क्या?